ईशान टूट चुका है। ईशान इस बात से बेहद आहत है कि अब इस दुनिया में उसकी माँ नहीं रही, लेकिन अपनी माँ की अस्थि विसर्जन करते हुए एक बहुत बड़ी कसम जो है खा ली है ईशान ने। क्या किया है ईशान ने, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से ईशा की इंसल्ट ईशान ने की थी, उसके बाद ईशा टूट चुकी थी। ईशा इस बात को लेकर बेहद परेशान थी कि उसका बेटा उससे इतनी नफरत करता है। वो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि आखिरकार उसके बेटे में उसको लेकर इतनी नफरत कहाँ से आ गई। और इसीलिए अब हम आपको बता दें कि ईशान ईशा के अस्थि विसर्जन के लिए पहुँचा तो है, लेकिन अस्थि विसर्जन करते हुए उसने एक बहुत बड़ी कसम खा ली है। उसने कसम खा ली है कि वो न्याय दिलाकर ही रहेगा। उसने इस बात की कसम खा ली है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी माँ की तौहीन भले ही उसने की हो, लेकिन वो पश्चाताप इस बात का ज़रूर करेगा। तो एक बात तो तय है कि अब ईशान को अपनी गलती का एहसास तो हो ही गया है, और इसीलिए अब ईशान जो है ये सब करता हुआ नजर आया। जहाँ शांतनु और ईशान दोनों ही ईशा के अस्थि विसर्जन के लिए पहुँचे हैं, वहीं ईशान के पश्चाताप के आंसू रुक ही नहीं रहे। उसको इस बात का पछतावा है कि उसने अपनी माँ को कभी कोई सुख तो नहीं दिया, लेकिन जब उसकी माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसके बेटे की, तब वो उनके साथ नहीं खड़ा था। आपको क्या लगता है कि ईशान ने अब जिस तरीके से पश्चाताप के आंसू बहाए हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो अपनी गलती को सुधार पाएगा? क्या आपको लगता है कि अपनी माँ की अस्थियाँ बहाते हुए उसने शपथ ली है कि किस जिसने भी उसकी माँ के साथ गलत किया वो उनको नहीं छोड़ेगा? क्योंकि अब ईशान को ये बात पता चल चुकी है कि यहाँ पर राव और अक्का साहिब का हाथ था। आप क्या कहेंगे इस पर, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।